really unfortunate, and I feel ashamed, Mr. Hassan, to say that, you know, at that time I was lost in my work. But as an industry, this is the time that we have to come together and stand by each other. And I want to apologize to you publicly that I didn't. I wasn't there at that time. I read about it later and I felt so bad. Hindu Vishnu Parishad said that Uttama karke unki movie hai, Uttama villain. Should we talk about this film? Sir, come on. Please. Let's talk about this. दो इवेंट्स, दो अलग अलग बयान. जी हाँ, आमिर खान के ये दो बयान लगभग दो वीक के भीतर आए हैं. जहाँ एक बयान में आमिर खान कमल हासन को सपोर्ट ना कर पाने के लिए माफी मांग रहे हैं. It's really unfortunate and I feel ashamed, Mr. Hassan, to say that, you know, at that time I was lost in my work. But as an industry, this is the time that we have to come together and stand by each other. And I want to apologize to you publicly that I didn't. I wasn't there at that time. I read about it later and I felt so bad that you had to go through that and you know, we were not there with you. It's really unfortunate. वहीं दूसरी तरफ आमिर खान कमल हासन की फिल्म को लेकर चल रहे विवाद पर कुछ बोलना नहीं चाहते. हिंदू विष्णु परिषद said that उत्तमा करके उनकी मूवी है, उत्तमा विलन. Should we talk about this film? Sir, come on. Let's talk about this. Well, आमिर खान के दोनों बयानों को आपने सुन लिया. अब पूरा मामला क्या है, हम आपको बताते हैं. दरअसल आमिर खान ने रिसेंटली फिकी फ्रेम्स के दौरान कहा था कि वो कमल हासन से माफी मांगते हैं कि वो विश्वरूपम फिल्म पर बैन लगने के वक्त उनकी मदद नहीं कर पाए, लेकिन फ्यूचर में ऐसे इशू पर वो अपने हर फ्रेंड की मदद करेंगे. Well, और अब लगता है कि वो मौका आ चुका है, क्योंकि आमिर खान के अच्छे दोस्त कमल हासन की ही एक फिल्म उत्तम विलन को लेकर एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस इस फिल्म पर बैन की डिमांड कर रहे हैं. ऐसे में आमिर खान के फिकी फ्रेम्स वाले बयान को ध्यान में रखते हुए हमने उनसे एक नहीं बल्कि दो बार जानने की कोशिश की कि क्या इस बार वो कमल हासन की मदद करेंगे. Well, आप खुद ही देख लीजिए आमिर खान के इस रिएक्शन को. हिंदू विष्णु परिषद said that उत्तमा करके उनकी मूवी है, उत्तमा विलन. Should we talk about this film? Sir, come on. Please. Let's talk about this. One positive take, sir, on Hindu Vishnu Parishad, sir, उत्तमा विलन एक मूवी है, sir. अब आप भी समझ गए होंगे कि कैसे आमिर इस तरह के रिलीजियस इशू पर कोई बयान नहीं देना चाहते. हो सकता है कि उन्हें डर हो कि उनके खिलाफ भी प्रदर्शन शुरू ना हो जाए. वेल आमिर, जब आपकी फिल्म पीके रिलीज हुई थी तो बॉलीवुड के लगभग हर स्टार ने आपको सपोर्ट किया था. ऐसे में बाकी स्टार अब आपसे यही एक्सपेक्ट करेंगे कि उनकी मुश्किल की घड़ी में आप उनका साथ दें, ना कि इस तरह के रिएक्शन. हिंदू विष्णु परिषद said that उत्तमा करके उनकी मूवी है, उत्तमा विलन. Should we talk about this film? Sir, come on. Please. Let's talk about this. One positive take, sir, on Hindu Vishnu Parishad, sir, उत्तमा विलन एक मूवी है, sir. Oh, really? हाँ, sir. कहाँ जा रहे हैं? फॉर हार्दिक तन्ना, जूम मुंबई.